अबे मुझे भी पढ़ा लो। फाइनली मैं अपने कॉलेज में इंटर हो चुका हूँ। मैं साइड हल्की कराई है मैंने भी। अब ये देखो एक लड़की मिली है मुझे ज़रा। सो हे गाइस, व्हाट द बडी सुवाइज, वेलकम टू आवर चैनल व्लॉग बेबी। सो वही तो मैं इतने टाइम के बाद फिर से व्लॉग लेकर के वापस आ गया हूँ। ये मेरा जो है आज 13th व्लॉग है। तो अभी अभी बिल्कुल मैं सोकर उठाऊँ तो देखते हैं आज कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं जाते। वैसे मुझे कॉलेज से डिग्री भी कलेक्ट करनी है और अभी पता नहीं, पहले कटिंग भी करानी है, क्या क्या करना है आज। तो पूरा दिन जैसे भी रहेगा आज, देखते हैं कहाँ जाते हैं कहाँ नहीं आते हैं। तो चलो ये व्लॉग स्टार्ट करते हैं। चलो, जब मुझे पता चला है कि यार मेरी कॉलेज में डिग्री आ चुकी है तो मैं बहुत ज़्यादा, यार मेरी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। मैंने कहा चलो एक बार और फिर से कॉलेज में जाने के लिए मौका मुझे मिल गया है। तो कॉलेज में जाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था पहले से ही। तो फिर से मुझे कॉलेज में जाने के लिए एक बार मौका मिला है। तो मुझे डिग्री लेने का इतना बिल्कुल डिग्री लेने का इतना शौक नहीं इतना मुझे कॉलेज में जाने का है, क्योंकि कॉलेज में जाते हैं यार पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो वही पहले मैं अभी एक कटिंग कराने आ गया हूँ यहाँ पर। तो पहले कटिंग करा लूँ, उसके बाद कटिंग कराने के बाद फिर चलते हैं, जैसे भी रहेगा। तो पहले कटिंग करा लूँ उसके बाद चलते हैं। तो भाई कटिंग हो रही है, बस हल्की फुल्की सी, बस जो है साइड हल्की करवानी है और कुछ तो कराना नहीं है। पहले साइड हल्की करा लेते हैं, उसके बाद जैसा भी होगा चलो देखते हैं। देख लो अभी साइड हल्की होनी है बस। Face to face I found my pain beneath the lies and broken dreams. Lost the love I had in me, it tore me apart, fade away. I felt so lost but I held on to what I had. For what it's worth, if you're feeling low, just know that you can, yes you can. There's life in love that you hold. Rise above and let it glow. Just know that it's never too late to make a change. Crash and burn, I found myself beneath the emptiness. This one for the person who feels alone. This one for the hero who has no home. This one for the one. फाइनली कटिंग डन हो चुकी है और साइड हल्की कराई है मैंने भी। अब चलो चलते हैं, जैसा भी रहेगा यार। अब व्लॉग स्टार्ट करते हैं, आगे चलते हैं। चलो फाइनली कटिंग अब डन हो चुकी है और अब चलते हैं। कटिंग तो हो गई है, अब देखते हैं यार। कॉलेज भी आना है, वहाँ से डिग्री भी लेनी है। तो आज तो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ डिग्री लेने के लिए। चलो यार स्टार्ट करते हैं भी लोग। चलो यार चलते हैं। तो मैं भी सीपी जा रहा हूँ, सीपी जाकर देख रहा हूँ यार कुछ अपने लिए, कुछ शॉपिंग वगैरह करनी है मुझे। देखता हूँ मिलता है तो देख लेंगे, नहीं मिल रहा तो भी देख लेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ देखना पड़ेगा। ऐसे घूमने आ गया हूँ, छुट्टी है ना यार, तो घूम लेता हूँ। तो घूमना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में यार। जिस दिन छुट्टी होती है उस दिन घूमना ज़रूरी है, घूम लेता हूँ मैं यार। भाई सीपी आओ ना, अकेले मत आना बिल्कुल भी, मुश्किल हो जाती है ज़िंदगी थोड़ी, क्योंकि भाई मेरी तरह घूमोगे अकेले? हाँ यार, लड़की पटती नहीं है। अब ऐसे ही घूम रहा हो, बताओ अकेला ये कोई बात है? क्या करें यार, सब कुछ ऐसा ही है। अब ये देखो एक लड़की मिली है मुझे, ज़रा इससे बात कर लूँ। ये देखो कितनी खूबसूरत है लड़की यार, सोच रहा उसको गर्लफ्रेंड बना लूँ। कुछ कोई मिल तो नहीं रही, लाओ यार इसी को गर्लफ्रेंड बना लेते हैं, क्या करें। प्यार करेगी मेरे से तू? क्या यार, पागल वागल हो गया हूँ मैं यार। चलो एक ये रही लड़की, अबे मतलब इन पुतलों से, मतलब ये इन पिक्चरों से प्यार करना पड़ रहा है। सिंगल लाइफ पड़ी है मेरी, क्या यार। कोई मुझे भी पटा लो, गरीबों की दुआ लगेगी यार। तू
कोई लड़की पढ़ती नहीं यार, क्या करें, मैं परेशान हो गया हूँ, कोई लड़की ज़िंदगी में आ ही नहीं रही, लग रहा सिंगल ही मरूँगा, सिर्फ तुम्हारे चक्कर में मरूँगा सिंगल। कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनकर रह रही। तो भाई चलो घूम लिया, चलो कॉलेज चलते हैं, कॉलेज से आज डिग्री कलेक्ट करनी है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इतने टाइम से मैं पागल था, मैं परेशान हो रहा था कॉलेज में कैसे एंट्री होगी, फाइनली आज एंट्री होने वाली है। और चलो चलते यार, मैं जैसे पहले कॉलेज जाया करता था तो मैं आज वैसे ही जा रहा हूँ, मैं यहीं से रामलीला ग्राउंड है, तो रामलीला ग्राउंड के पास से ही मैं ऐसे जाता था। तो आप देख सकते हैं यही वो जगह है जहाँ पे मैं 3 साल पहले जाता था, और बिल्कुल और इन्हीं के नीचे से निकलता था, सेम इन्हीं चीज़ होते, मतलब हाइट इतनी लंबी हो गई थी माशाल्लाह। वो तो चलो बढ़िया, फाइनली मेरा कॉलेज आ चुका है, तो अब कॉलेज के लिए जैसे वही जगह है, मतलब जैसे मैं आता था इन्हीं जगहों से जैसे मैं जाता था। अब दिखाता हूँ मैं आपको अपना कॉलेज, जाकिर हुसैन मेरा कॉलेज, हम सबका कॉलेज, पुरानी यादें ताज़ा हो गई यार आज। दिल में तो क्या यार कुछ भी मेरे पास वर्ड्स नहीं है क्या बोलूँ, लेकिन चलो मेरा मेरा कॉलेज जाकिर हुसैन, आ गया हूँ मैं कॉलेज, फाइनली मैं अपने कॉलेज में इंटर हो चुका हूँ। मैं ऐसे ही आता था रोज़, और मैं फाइनली इंटर हो चुका हूँ यार, इतनी मतलब लाइफ चेंज हो गई भाई डूड। तो अब फाइनली मैं इंटर हो चुका हूँ, तो मज़ा आ रहा है यार अपना कॉलेज, क्या कॉलेज है यार अपना यार, ये वही जगह है जहाँ मैं आता था बैठता था। तो चलो चलते हैं। ये वही जगह है, ये क्लासरूम है, हाँ। तो क्लासरूम में एक बार जाके पुरानी आते दादा कर लो ब्लॉक्स। तो मैं ऐसे ही आता था, जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई तो मैं ऐसे ही बैठता था यार, पुरानी आते दादा हो गया आज। तो ये हमारी क्लास हुआ करती थी यहाँ पे बोर्ड पर, मतलब पूरी लाइफ चेंज हो जाती है यार, कॉलेज ख़त्म हो गया लेकिन पुरानी यादें ताज़ा हो गई आज बहुत ज़्यादा, क्या बोलूँ डूड, सब कुछ चेंज हो चुका है। और चलो चलते हैं बात, मुझे डिग्री लेने का इतना बिल्कुल भी वो नहीं है जितना कॉलेज में आने का था, तो कॉलेज में आ गए, आज मेरा सपना पूरा हो गया, पुराना सपना था बरसों पुराना, तो यार यहीं पर मैं आकर बैठता था, और यहाँ पर मैं जो है डांस की प्रैक्टिस करता था, मतलब यहाँ पर पार्किंग वगैरह जो है बन गई है, कारें पहले भी थी लेकिन चेंजेस हो गए हैं बहुत ज़्यादा। और ये वो लम्हे मैं अपनी लाइफ में कभी भी नहीं भुला पाऊँगा इनको। तो यार ये जितने भी, मैं तो एक्स स्टूडेंट हूँ अब, तो जितने भी है व्लॉग देख रहे हैं, तो भाई ये जो लाइफ यार अच्छे से जीना, क्योंकि भाई ये एक बार चली आती है ना लाइफ, वापस नहीं आती भाई, एक एक पल एक एक मिनट एक एक सेकंड बहुत ज़्यादा कीमती होता है। मुझसे पूछो यार, मैं यहाँ पे आने के लिए तरसता हूँ, तो कहता हूँ कि एक बार मुझे फिर से एडमिशन मिल जाए कॉलेज में, मैं फिर से वही क्लास में बैठकर क्लास लेना चाहता हूँ, डांस करना चाहता हूँ, खूब डांस करता था मैं यहाँ पर, पुरानी याद आज ताज़ा हो गई फाइनली। तो बहुत मज़ा आ रहा है यार, बहुत एक्साइटेड था मैं पहले से, बहुत मज़ा आ रहा है भाई। सो एवरीवन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना ऐसी वीडियोस के लिए। तो आकर बैठता था, और यहाँ पर मैं जो है डांस की प्रैक्टिस करता था, मतलब यहाँ पर पार्किंग वगैरह जो है बन गई है, कारें पहले भी थी लेकिन चेंजेस हो गए हैं बहुत ज़्यादा। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा घूमता था, देखो एक अलग ही लाइफ है यहाँ की। यहाँ पर मैं बैठता था, मतलब मैं अब तो यार ऐसी न्यू जनरेशन आती रहेगी जाती रहेगी, पूरा ये सब चेंजेस हो जाते हैं यार, सब बदल जाता है। इसी तरह जैसे मैं आया हूँ और लोग आएंगे जाएंगे, आने जाने तो लगा रहेगा यार लाइफ में। और ये जो बिल्डिंग बनी है तो अभी बनी है, हमारे टाइम पर नहीं थी, तो 2020 हमारी ग्रेजुएशन कम्प्लीट हुई थी, तो
कोरोना वायरस की एंट्री ने सब कुछ ख़राब कर दिया था हमारा यार, फेयरवेल भी ख़राब कर दिया था। तो ये है बिल्डिंग, अपनी न्यू बिल्डिंग है, सब कुछ बदल गया। हमारे टाइम पर तो ऐसा था नहीं, पूरा चेंज हो गया है। मतलब 2 साल में सब कुछ बदल सा गया है। बस एक पुरानी यादें रह जाती हैं, बस वही यादें ताज़ा करने के लिए यहाँ पर एंट्री कर ली आज मैंने। डिग्री का इतना शौक नहीं है जितना मुझे यहाँ पर आने का था, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। बस अब यार जितने भी मेरे व्लॉग्स देख रहे हैं जाकिरियंस, तो भाई ये लाइफ अच्छे से जीना भाई, वो एक बार चली आती है वापस नहीं आती है। यहाँ पर हमारी क्लास होती थी साइंस ब्लॉक में, और बहुत टफ है यार जर्नी, चली जाती है तो वापस नहीं आती है। देख लो एक अलग ही माहौल है यार कॉलेज में यार, सब कुछ बदल गया यार लाइफ में, अब क्या करें। यहाँ पर एक बंदा मुझे मिला था, क्या नाम है, जब मैं थर्ड ईयर में था, तो थर्ड ईयर में जब मैं यहाँ पर था तो भाई यहीं पर ही बिल्कुल इसी जगह पर एक भाई आया। मैंने कहा यार क्या नाम है, मेरा असाइनमेंट जो भाई सबमिट कर दियो भाई, वो आज तक नहीं मिला। फर्स्ट टाइम मेरे अपनी लाइफ में असाइनमेंट बनाए थे और वो बंदे ही मेरा जो है लेके फरार हो गया, और मैं बड़े परेशानी में, मैं थक चुका भैया, मैं किरदा भी कहाँ आ गया। और फाइनली उसके बाद जो है, उसके बाद क्या हुआ था, हाँ उसके बाद मैंने अपने ही दोस्त से बनवाया, उसी फिर मैंने सबमिट करवा दिया था। बेवफा तेरा मासूम चेहरा। तो भाई ये भी मेरे जो मतलब साथ के थे क्लास में, मज़े करते थे भाई, देख लो आज ये पुराने दोस्त मिल गए। ये भी डिग्री लेना है भाई, ये भी डिग्री लेना है, डिग्री लेने के लिए हम कॉलेज छोड़ देंगे आज के बाद। अरे नहीं यार कॉलेज क्यों छोड़ रहा हो यार, कॉलेज में छोड़ो, कॉलेज तो भाई एक ही लाइफ है। मैं कॉलेज में क्या करा करता था, बस डांस ही करता था भाई, बहुत बढ़िया डांस करता है भाई। अगर किसी को पता नहीं है ना तो इसका ये चैनल देखो, इस चैनल पर नहीं है लेकिन इंस्टाग्राम पर है वीडियोस वो। अरे यूट्यूब पर लिंक डाल देगा सर इसमें अपने डिस्क्रिप्शन में, और इसे फॉलो करना, लाइक करना, शेयर करना सारे के सारे, और भाई को सपोर्ट करना है, ठीक है ना, भाई को आगे तक पहुँचाना है। हाँ यार बहुत आगे जाना है, दुआ से ही जाएगा ये। हाँ तो गाइस, तो अब जो है फॉर्म जो है फिलअप हो चुका है बिल्कुल, और सबमिट कराने आ रहे हैं। चाचा चाय बना रहे हैं, चाय वाय पियेंगे, बहुत बढ़िया चाय भाई, कॉलेज की चाय तो अच्छी होती है, बढ़िया होती है। तुम्हें कैसी लग रही है कॉलेज की चाय? कॉलेज की चाय भी मस्त हो रही है। अरे भाई बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो ये। आने वाली जो जनरेशन है यहाँ से जो है एंट्री करेंगे, एंड आने वाली जो न्यू जनरेशन है यार, वेलकम टू इन दिस कॉलेज। सो वी हैव नाइस एक्सपीरियंस फॉर दैट। तो भाई हमारी कैंटीन में यहाँ पर जो है खाता पीता था, और यही हमारी कैंटीन है, और यहाँ पर जो है प्रैक्टिस वगैरह चलती थी हमारी आर्ट्स एंड कल्चर की, तो मैं यहाँ पर डांस वगैरह करता था। तो ये तो पूरा खाली हो गया है, पता नहीं बच्चे वगैरह भी आए नहीं हैं, या तो बाद में आएंगे थोड़ी देर बाद। ये है पूरी लिस्ट, और
कीप साइलेंस। मेरी जो ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई थी वो 2020 में कंप्लीट हुई थी, तो 2020 के बाद वो जो कोरोना वायरस ने एंट्री करी थी ना, तो हमारा फेयरवेल वगैरह उसी ने बना लिया था भाई, हमारा फेयरवेल उसने बना लिया। और अब हम यहाँ पर आके डिग्री लेने आए हैं, बताओ। लास्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम दिया था भाई वो ओपन बुक था, तो हमने जो है समझ जाओ, समझ रहे हो ना। तो फाइनली आई गॉट द डिग्री, मिल चुकी है अपनी डिग्री। तो आज मेरी डिग्री मुझे मिल गई है, मेरा दिल नहीं था लेकिन मैंने कहा चलो डिग्री ले आते हैं, लेकिन दोस्तों ने कहा ले आ भाई, अब पता नहीं कब आना हो, पता नहीं। चलो ये आज ये दिन भी यादगार बन गया यार, हाँ पता नहीं चला कब मैं यार ये साल ख़त्म हो जाते हैं। और ये डिग्री मिल गई है तो ख़त्म कर देते हैं भाई, क्या करें, फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। और मेरे व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना, एंड देख लेना अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और ज़्यादा से शेयर करना। तो ये व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं, बाय।